नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी, यूट्यूबर एंड एजुकेटर फ्रॉम कैसियल एकेडमी। तो आप है जो इस साइट पर विजिट करें, यूट्यूब पर सर्च करें कैसियल एकेडमी और हमारे अन्य वीडियो देखें। देखिए दोस्तों, यहां पर करना क्या है आपको, बिल्कुल सिंपल से कुछ स्टेप करने, एक बार समझना है दोस्तों। 1 2 3 4, ये आपका 4 डिजिट नंबर है। इसमें आपको 1 2 1 2 यानी 2 डिजिट, 2 अंकों को साथ लेकर पेयर बनाना है। जो आपका अंदर का पेयर है कितना है, 96, इसको हम बाहर लेंगे और इसके आधार पे हम एक ऐसी संख्या का सेलेक्ट करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो लेस देन आपका कितना रहना चाहिए, 96 रहना चाहिए। तो देखिए, हाईएस्ट हम 9 ही ले सकते हैं, 9 × 9 किया और लेस देन 96 आ रहा है, लेस देन दिस आ रहा है। इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पर अपना इसको सेलेक्ट कर लेना है, 9 को सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद देखिए, इसको ऐसे यहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है, इनका गुणा यहाँ पे लिखा जाता है, जिस संख्या को लिए हैं एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे। उसके बाद इनको जोड़ा जाता है, ध्यान से सुनना दोस्तों, इसको माइनस किया जाता है और जो अगला ग्रुप है इसको हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, बिल्कुल सिंपल है। इसके साथ जैसे हम 8 लेते हैं, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 8 = 64, 6 कितना 70, 7 करे चला गया 8 × 7 कितना 15 आ गया। किसको लिया दोस्तों, हमने अपना 8 को लिया। देखिए इसके एक जस्ट इक्वल टू आ गया, ये जो नंबर है 8 लिया 8 का मल्टीप्लाई करने पर। ये ध्यान रखें, सेम संख्या लेना, 7 लेते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसका भी ध्यान क्या रखा जाता है, या तो इसके इक्वल टू रहना चाहिए या इससे जस्ट लेस देन रहना चाहिए। यदि इक्वल टू आ रहा तो फिर हम उसी को लेते हैं, ओके। उसके बाद जैसे माइनस किया तो आपका यहाँ पे 0 आ गया। आगे हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं है, इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यह जो वैल्यू निकला है कितना है, 98, ये आपका इसका वर्गमूल का वैल्यू है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप अभी तुरंत नीचे कमेंट कर बताएंगे और YouTube पर एक बार ज़रूर सर्च करो दोस्तों ये।